जो भाइयों को आसानी है, हर इंफॉर्मेशन सेक्टर में जो हम काम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये शबीना बानो शेख साहब की साहिबा की मदद से की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कलीग बाबा साहब को कि उनको कमल करें, उनकी जो आइडिया है शबीना बानो शेख साहब का भी फेलिसिटेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आदि राव अंसारी साहब और प्रस्तुतों भाई सेवन चलाने में आपको मदद करती है। सामने आ जाओ, फोन इधर करूँ ना, ट्रेन में आ रहा हमारे बीच महाराष्ट्र शाह मोहम्मद असलम शेख साहब, टेक्सटाइल मिनिस्टर हुकूमत महाराष्ट्र। सर कुछ भी काटो ना आप, मोहतरम कौंसल जनरल साहब की खिदमत में डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब, इब्राहिम भाईजान साहब मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ इंडिया, उनके खिदमत में नजराना पेश कर रहे हैं और साथ में ट्रॉफी भी पेश कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग काम का उन्होंने इस्तीफा किया, पिछली बार ये एयरपोर्ट के पास रखा गया था, उसमें भी थे हम। और हम अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जो कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं और अलग अलग हिस्सों से अलग अलग मुल्क के कोने से जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने जाते हैं, वो जो कुछ ट्रेनिंग देते हैं उसका एक नतीजा ये होता है कि हमारे जो हिंदुस्तान के हज करने वाले मुसलमान हैं वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से वहां पर जो है वो बिहेव करते हैं और जिसकी की तारीफ सरकार की लोग करते हैं, हिंदुस्तान की करते हैं, मुल्क की करते हैं। और ये जो है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हुई है, ई वीजा हुआ है, हज पोर्टल है, हज मोबाइल ऐप है, ई मसीहा, यानी मसीहा जो वहां पर जब सऊदी में जाएंगे, मक्के में मदीने में जाएंगे तो जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आप लोगों ने ट्रेनिंग दी होगी जो ट्रेनर्स वगैरह को, तो वो हमने जो है वो भी ऑनलाइन किया है। उसके अलावा जो है वो मक्के मदीने में ठहरने के लिए बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी जानकारी भी ई लगेज टैगिंग के जरिए हो रही है हिंदुस्तान में। और साथ ही साथ जो डिजिटल प्री टैगिंग की अरेंजमेंट भी हिंदुस्तान की तरफ से किया गया है। हर जो हज का हज करने वाले हज यात्री हैं उनको जो है वो हज मोबाइल ऐप से लिंक किया गया है ताकि जो है वो उनको पूरी तरह की जो क्या क्या एक्टिविटीज है, किस तरह से जाना है, क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी भी उनको मिल सके और उनको दी जा सके। हमारी कोशिश है कि ट्रांसपेरेंट हज हो और किसी भी तरह की दुश्वारी से दूर रहे हैं और इसीलिए ईज ऑफ डूइंग हज अल्लाह कबूल करेंगे। उसमें रहमान है, रहीम है, रहमान के माने हर इंसान पर, हर मखलूक पर रहम करने वाला। तो मैं हमारे
मुख्तार अब्बास नकवी साहब और उनके मिनिस्ट्री को और डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब हज कमेटी को मुबारकबाद देता हूं कि इस 99 नामों के जरिए जो इसको याद करेगा या उसको पढ़कर दुआ करेगा अल्लाह उसको मगफिर फरमाएंगे और जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरी एक दो किताब अंग्रेजी की मैं इनकी इजाजत से मुख्तार साहब को दे रहा हूँ। 25 सालों से हिंदी उर्दू अंग्रेजी में किताबें छप रही हैं। भी सभी ट्रेनर हजरात से दरख्वास्त है कि वो आप आहिस्ता से शोर न करते हुए बाहर की मैदान में जाए। ये जो सेशन है ट्रेनिंग का, आगे भी बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग्स हैं, इंशाल्लाह जोर के बाद खाने के बाद शुरू होगा 3 बजे। और अभी आप लोग सभी बाहर बरामदे में चले। मुजफ्फर नीलामी के असरात हमारी ऑपरेशन पर पड़ने के कुछ इम्कान हैं, उसका कोई जायजा लिया जा रहा है? जायजा ले रहे हैं और अभी हमने परसों मीटिंग फिर रखी है वहाँ पर, और इस मामले में हम बहुत बहुत क्लियर और बहुत सख्ती के साथ हमारा कहना है कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी कैजुअल अप्रोच, चाहे एयर इंडिया हो या कोई और है, उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी मैं वही बात कर रहा था, हमने ग्लोबल टेंडर बहुत किए, वाटरवेज से जाने का जो हमारा कंसेप्ट था कि जहाज से जाने से कम आधा तो होना चाहिए खर्च, लेकिन अभी तक जो टेंडर आ रहे हैं वो सिर्फ में दिक्कत क्या है कि जो टेंडर आ रहे हैं वो क्रूज के आ रहे हैं, वो बढ़िया क्रूज बता रहे हैं कि साहब इसमें जो है वो स्विमिंग पूल भी है उसमें, ये भी। मैंने कहा भैया हाजियों को स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, वजू खाना चाहिए। तो अब दिक्कत ये कि अकबर और नूर जहाज जैसे जहाज नहीं है अभी, अगर होंगे तो वो भी 15-20 दिन लगाएंगे जाने में। ये लोग कहते हैं कि हम 1.5 दिन में पहुंचा देंगे, 2 दिन में पहुंचा देंगे, वो कंपटीशन है। सिंगापुर की कंपनी का भी कहना है, दुबई की कोई कंपनी है उसने भी यही कहा, लेकिन उनके जो रेट है वो रेट जो है बहुत ज़्यादा है। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है वो उस रेट पर ही लोगों को एक बार ऑप्शन देते हैं कि अगर जिनको उससे जाना है क्रूज से तो वो जा सकते हैं। जी हाजियों का क्या फायदा होगा जब वो रेट ही ज्यादा? हाँ, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो आपने कहा, हमारे दिमाग में जो हम सोच की हमारी सोच थी कि जो एयर फेयर है या जो जहाज से लोग जाते हैं वो उनसे जो है कम से कम जो है वो 30% 40% कम तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी तो रेट बढ़ के आ रहा है। और उनका वो कहना है कि साहब हम रूम देंगे उसमें, हम जो है वो ये देंगे, आजकल तो फैसिलिटीज बहुत हो गई हैं बस। जी नए पोर्ट से है पॉसिबल, वो तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इनको परमिशन दिया जाएगा हज करवाने का? नहीं बिल्कुल, किसका? ये पानी के जहाज में बिल्कुल, मैं 100% हम उससे तैयार हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया, वो भी इन प्रिंसिपल तैयार है, लेकिन दिक्कत ये है कि रेट की बात है ना। रेट की बात अगर है तो फिर ऑप्शन तो दे सकते हैं ना? देंगे, मैं कोशिश कर रहा, आपकी बात सही है। हाँ मतलब वो दे सकते हैं। अब 3,000 कम से कम एक क्रूज जो होगा वो 2,500-3,000 लोगों का होगा, देखते हैं। सर उमरा से जाने की भी अफवाह घूम रही थी कि आप उमरा भेजने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा उमरा फ्रॉड निकलते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी उनको? उसमें हमने एक मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाई है जो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो स्टडी कर रही है, और स्टडी के साथ साथ और मुल्कों में भी जो हज के साथ उमरा की सरकार जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट करती है
उसके बारे में वो रिपोर्ट बना रहे हैं और आई एम वेटिंग फॉर देयर रिपोर्ट। अब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव है मुझे कैसे मालूम, अब आ जाए तो पहले देखेंगे ना। हाँ और जो ऑपरेटर जो है उनके पैसे लेके गायब हो जाते हैं, तो ऐसे में हाजियों को सरकार की तरफ से किसी किस्म का कवर या देखिए पिछली बार से इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बहुत जीरो हुई हैं। पिछली बार भी हमने 6 इस तरह के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को ब्लैकलिस्ट भी किया, उनका 25 लाख रुपया भी जब्त किया था, और इस बार भी हम जो है वो 2 दर्जन ऐसे जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं और उनका जो है वो जो 25 लाख रुपया उनका सिक्योरिटी अमाउंट होता है उसको भी जब्त करेंगे, और उनके खिलाफ अगर ज़्यादा हीनियस क्राइम होगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे ताकि उनको जेल भी भेजा जा सके। नहीं उलंचू हो पाएंगे ना, फिक्र मत करिए, कहीं पे आपको कोई उलंचू हुआ तो बताइए, उलंचू तो ऊपर से घसीट लाएंगे उसको। ये देखिए मुल्क जो है वो मोर देन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है और 130 करोड़ हिंदुस्तानी इस मुल्क में महफूज हैं। इस मुल्क में जो है वो हिंदुस्तान का मुसलमान मजबूरी में नहीं रह रहा है, मजबूती से रह रहा है, और जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसके जो है वो सोशल राइट, उसके रिलीजियस राइट पूरी तरह से कंप्लीट सेफ भी हैं, सिक्योर्ड भी हैं। अब हम जो है वो पीस चाहते हैं, कुछ लोग प्रवोक कर रहे हैं तो प्रवोक करना उनकी पॉलिटिक्स है, पीस और प्रॉस्पेरिटी समाज की हमारा कमिटमेंट है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हैं वो हमसे मिलते भी हैं, हमारी बात भी होती है। अब एक बात आप ये बताइए कि अगर जो है वो कोई चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, समझा भी रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, मैं किसी एक का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। देखिए प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हम कोई एंटी नेशनल नहीं मानते, एनार्किस्ट नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो गुमराह करने में हो सकता है कामयाब भी हुए। थैंक यू वेरी मच।